यूएस साउथ कोरिया के एक्सरसाइज से किम बौखला गए हैं। नॉर्थ कोरिया ने 4 क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया है और नॉर्थ कोरिया ने हेमयोंग के ईस्ट कोस्ट से 4 क्रूज मिसाइल्स भी दागी हैं। यूएस साउथ कोरिया को किम का क्रूज मिसाइल से यह जवाब है। हालांकि समंदर में साउथ कोरिया की विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज को लेकर बड़े दावे और बड़ी तस्वीरें जारी की जा रही हैं और अब एंटी सबमरीन और एंटी शिप हथियारों के साथ मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर देखिए। अहम पोर्ट्स पर हमला होने से बचाने की यह कोशिश होगी। अब साउथ कोरिया अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ड्रिल में जिस तरीके से K9 आर्टिलरी और स्ट्राइक वेपन उतारे जा रहे हैं, 13 मार्च से जारी थी ये फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 3 बड़ी खबरें आपके सामने होंगी एक साथ। हालांकि ये तस्वीर आपके सामने है 13 मार्च से जारी फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज में, जहां ड्रिल में K9 आर्टिलरी और स्ट्राइकर वेपन्स भी उतारे गए हैं। साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इसके बाद क्या अब टेंशन हाई होती जा रही है। चर्चा से पहले 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से 4 क्रूज मिसाइल्स दागे हैं और महत्वपूर्ण यह है कि अब यूएस और साउथ कोरिया को किम की ये क्रूज मिसाइल दे रहे हैं जवाब। अब अहम पोस्ट पर जिस तरीके से बचाने की कोशिश के तहत एक्सरसाइज की गई है, वो तस्वीरें भी जारी की गई साउथ कोरिया की ये विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज की, और साथ ही हमने आपको बताया 13 मार्च से जारी ये एक्सरसाइज। मेरा सवाल अचल सर इस पर आपसे है, इन 3 तस्वीरों के साथ क्या आप मानते हैं कि अब ये टेंशन जो बढ़ती जा रही है नॉर्थ कोरिया वर्सेज अमेरिका, ये यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा हो सकती है, बड़ी साबित हो सकती है? जी हाँ, अब देखिए ये कैसे रुक लेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत से ऐसे जोन्स हैं जिसे हम सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहते हैं, जहां तनाव पहले से था, अब वहां धीरे धीरे करके हर जोन में तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो साउथ चाइना सी का इलाका हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक। मैंने एशिया पैसिफिक इसलिए कहा कि रशिया जो इंडो पैसिफिक और चाइना इंडो पैसिफिक का जो नॉमिन क्लेचर है उसे नहीं मानते हैं, और अभी हाल ही में जो हमने देखा, जो पहले तो वो दबे शब्दों में इस बात का विरोध करते थे, लेकिन जब से चाइना और रशिया में नजदीकियां बढ़ी हैं, अब वो खुल के जो है एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर बात करने लगे हैं, और वो अमेरिका की वहाँ जो प्लान्स हैं उसको चैलेंज कर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।